हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं इस एनएसएम किचन में और आशा करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक हो। आज मैं बनाने जा रहा हूं चिकन साटे। चिकन साटे बनाने के लिए यहां पर लिया मैंने दो चिकन ब्रेस्ट जो 400 ग्राम के करीब है, इस तरह से साफ करके मैंने काट दिया है। यहाँ पे लिया मैंने 2 टीस्पून रेड थाई करी पेस्ट और यहाँ पे लिया मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 बड़ा चम्मच सौंफ पाउडर। मैंने यहाँ पे लिया 1/2 चम्मच नमक और यहाँ पे लिया मैं 4 टेबल स्पून क्रश करी हुई मूंगफली जो रोस्ट करके इस तरीके से जो क्रश कर लिया था और 1 टीस्पून चीनी लिया है यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून लिया है लेमन जूस, 1/4 चम्मच के करीब लिया है मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर और इसमें मैंने लिया है 1 टीस्पून फिश सॉस और 1 चिकन क्यूब लिया है और 1/2 कप कोकोनट मिल्क। जो इन सब सारे सामान को मिलाकर जो है इस तरीके से हमने कम से कम 1 घंटे इसको मैरिनेट करना है। अब बनाएंगे पीनट सॉस। पीनट सॉस बनाने के लिए यहाँ पे लिया मैंने तेल और तेल में मिला दिया इसमें मैंने रेड थाई करी पेस्ट 1 चम्मच और यहाँ पे देखिए पानी लिया है मैंने थोड़ा सा और पानी लेकर जो है इसको मिला देना है क्योंकि रेड थाई करी पेस्ट जो है बहुत ज़्यादा चिटकता है तेल में डायरेक्ट मिलाने से, क्योंकि गलंगल वगैरह होता है तो इसलिए ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पे लिया मैंने 1 चम्मच लाल मिर्ची और यहाँ पे लिया 1/2 चिकन क्यूब, ये देखिए इन सब चीज़ों को मिला देंगे। फिर यहाँ पे लिया मैंने 1 कप कोकोनट मिल्क और 4 छोटे चम्मच मूंगफली जो दरदरा करा हुआ, तो इन सबको अच्छे से मिला देंगे ये देखिए। तो अब यहाँ पे लिया मैंने साटे स्टिक में जो चिकन को जो है एक स्टिक में 2 पीस लगाएं आप, और बहुत ज़्यादा लंबा हो तो 1 पीस से ही हो जाएगा आपका। तो ये देखिए इस तरह से सारे को लगा लेना है और इसको हमने एक पैन में तवा में तेल गरम करके इसको अच्छे से पका लेना है। ये थोड़ा थोड़ा चिपकता है तो इसको थोड़ा अच्छा से ध्यान से इसको पकाइएगा। अगर चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और पहले से सब्सक्राइबर हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए इस तरह से जो थोड़ा थोड़ा चिपकता है क्योंकि इसमें थाई करी पेस्ट है, तो थाई करी पेस्ट जो है आपका उसमें गलंगल वगैरह होता है तो इसलिए जो तवा में चिपकता है थोड़ा सा। तो अदरक लहसुन भी है तो इस तरीके का ध्यान दें। ये देखिए इस तरह से बढ़िया सा हमारा साटे चिकन साटे बन गया जो पीनट सॉस के साथ। तो आप भी बनाइए और घर पर ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।